आज हम एल्गोरिथम एनालिसिस के इस लेक्चर में ये दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, देयर आर 5 कॉइन्स ऑन द टेबल, यू चूज वन एट रैंडम एंड फ्लिप इट। ये रैंडमली फ्लिप करना है और यहाँ पर ईच कॉइन इज फ्लिप्ड एग्जैक्टली वंस। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, जहाँ पर रैंडमली होता है वहाँ पर जो फार्मूला लगता है वो कम्बिनेशन का लगता है, जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एक्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स के अंदर तादाद कितनी आएगी, 5 कॉइन्स के अंदर। एक कॉइन में आपको पता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट हेड्स में है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि कॉइन विल बी टेल व्हेन यू आर डन। व्हाट इज़ द चांस दैट द मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स विल बी टेल्स। मेजॉरिटी टेल्स होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक परमुटेशन का है, जिसमें ये तादाद आती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंडमली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये देखें ये रेंडमली है, ये रेंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स, ये एन एक्स का जवाब निकालने के लिए है, एन सी एक्स पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मूला वहाँ लगता है जहाँ पर आपके पास कोई एक एक्सपेरिमेंट हो, उसके दो रिजल्ट हों। जैसे यहाँ पर एक कॉइन है, इसमें कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यहाँ दो ही कॉइन्स आपके पास आ सकते हैं, दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल है। एक सिक्के में वन कॉइन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है एक हेड आने की, इन वन कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, वो आपको पता है कि 1/2 है, यहाँ 1/2 लिखता। और जो क्यू है वो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, टेल है, और वो भी 1/2 है, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो पी हमारे पास, अगर आप हेड लेते हैं तो ये पी 1/2 है, क्यू भी बाई चांस यहाँ 1/2 है। ये एक सिक्के के अंदर P की वैल्यू एक कॉइन के अंदर होती है, Q की भी वैल्यू एक कॉइन के अंदर उलट होती है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो हेड है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू हेड्स। ये वाला हिस्सा ना भी होता तो इसका मतलब यही था कि 5 सिक्कों में से 2 हेड होंगे, तो लास्ट जब आपके पास 2 हेड आएंगे तो लाजमी तौर पर दूसरे 3 पर टेल होगा। तो ये ना भी होता तो ये हमारे लिए काफ़ी था। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू हेड्स की फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एक्स वेरिएबल है जिसमें 5 सिक्कों में 0 कॉइन हेड भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी हेड आ सकता है, 3 भी आ सकता है, रेंडमली है क्योंकि, तो आप 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड इसलिए नहीं आ सकते कि टोटल हमारे पास 5 कॉइन हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 2 हेड इज इक्वल टू, ये n हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5। सी एक्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हेड में आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ 2 आएगा। p हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, यहाँ 1/2 लिखेंगे, और उसकी जो पावर है वो 2 आएगी x, और q की वैल्यू 1/2 है, और n 5 है, 5 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में 5C2 का जवाब भी मौजूद है, आई थिंक सो 15 आएगा या 20 आएगा, चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर से। यहाँ 1/2 इसका जो जवाब आएगा 1/4, 2 की पावर 2 4 होता है, और यहाँ पे 1/2 की पावर 8 आएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो पावरें ऐड होंगी तो 5 बनेगा, तो वो बनता है 1/32। लेकिन अब यहाँ पर 15 है या 20 है ये कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ये 15 हो सकता है, 10 हो। अगर 5C2 का फार्मूला है, कैलकुलेटर से आप नहीं करते, खुद करना चाहते हैं, तो ये उसका फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल वो 3 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 5 4 3 2 1। 3 पे मैंने इसलिए रोक दिया है, 3 फैक्टोरियल आगे ये कट रहा है तो मैंने इसको काट दिया है, तो ये 2 2s 4, तो 10 इसका जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/32, 10/32 मींस के 5/16 इसका जवाब होगा, ये 2 हेड्स का। इसी तरीके से 4 हेड्स का आप निकाल सकते हैं, 3 हेड्स का भी निकाल सकते हैं, और 1 हेड का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर आर 5 कॉइन्स हैं, और ये ईच कॉइन को आपने फ्लिप करना है एग्जैक्टली वंस। अच्छा, अब एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, और अब आपके पास ये जो कॉइन्स हैं इसमें अरेंजमेंट की बात की हुई है, अरेंजमेंट की बात की हुई है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, यानी ये ईच कॉइन को आपने एग्जैक्टली वंस, यानी हर कॉइन को कन्वर्ट करना है, फ्लिप करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या लगना है, और परमुटेशन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लगना है जिसमें आर्डर का ख्याल रखा जाता है। एक लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में 8 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिसमें ए जो है 2 दफ़ा आ रहा है। इसकी हमने अगर निकालना है कि कितनी ऑर्डर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि लफ्ज़ को आगे पीछे करने से कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, तो उसकी तादाद निकालने के लिए जो तरीक़ाकार है, जो टोटल तादाद होती है वो ऊपर लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, और नीचे जो है वो पी कितनी दफ़ा आया है, 1 टाइम आया है, और साथ ए कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम्स आया है, बाकी सारे वर्ड्स 1 1 टाइम आए हैं, तो 1 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 7 6 5 4 3 को आपस में ज़रब देंगे तो ये तादाद आ जाएगी, यानी एन ऑफ एक्स का जवाब आएगा। एन ऑफ एस 5 सिक्कों में हमें पता है कि एक सिक्के में 2 ऑप्शंस हैं, बेस 2 है और टोटल सिक्के 5 हैं, तो ये हमारे पास 32 बनता है। और ये जो सवाल है, ये 2 हेड्स इसका कैसे होगा कि हमारे पास टोटल 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और नीचे 2 हेड्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, और दूसरे नंबर पे 3 टेल्स हैं, 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो जवाब आएगा 5 4 और 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ये जो 2 है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 2 ज़ा 4, तो ये इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब ये 10 आया है तो ये फार्मूले में पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू n ऑफ x ओवर n ऑफ s, n ऑफ x का जो जवाब है वो 10 है और n ऑफ s का जो जवाब है वो 32 है। जवाब ये 32 है, तो यहाँ पे 32 पुट कर देंगे, तो ये वही जवाब आ गया है जो 5वें सवाल में आया था, लेकिन तरीका चेंज है। इस तरीके से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।